महिमा ओ पृथ्वी पर मानो को शांति शुभ आशा सदा हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से पूर्ण है, देवदूत और मानव तेरा जयकार करते हैं, तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु तुझसे बचा, क्योंकि सदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय हो, अनादि से अनंत काल तक। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से पूर्ण है, देवदूत और मानव तेरा जयकार करते हैं, तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम तेरी आराधना और स्तुति करते हैं, तेरे असीम कृपा दानों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तू ही सबका प्रभु है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। हम उस मानव प्रेमी से मेल करें जो हमें भला चंगा बनाना चाहता है, ताकि वह हम पर कृपा करे। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता, जिसका मन निष्कपट है। जब तक मैं मौन रहा, तब तक मेरे निरंतर कहने से मेरी हड्डियां चिजती रही, क्योंकि
दिन रात मुझ पर तेरे हाथ का भार था। मेरा शक्ति रस मानव ग्रीष्म के ताप से सूखता रहा। मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। हम उस मानव प्रेमी से मेल करें जो हमें भला चंगा बनाना चाहता है, ताकि वह हम पर कृपा करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय हो, अनादि से अनंत काल तक, आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। तेरे प्रत्येक उपकार तथा अनुग्रह का प्रतिदान हम कदापि नहीं कर सकते। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से संबंध और दुल्हन की तरह अलंकृत तेरे कलीसिया में हम निरंतर तुझे धन्यवाद देते और तेरा गुणगान ही करते रहे। तू ही सबका प्रभु और सुजनगार है सदा सर्वदा, आमीन। महिमा गाते यीशु मसीहा सबके प्रभु जी जय गान गाते सबके प्रभु जी जय गान गाते जय गान गाते। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो, आराधना हो हे सबके प्रभु सर्वदा, आमीन। प्रभु ने अपने प्यारे जन की सुध ली है। प्रभु जी तूने असीम प्रेम से मनुष्य की सृष्टि की, अपनी निज की छाया में ही उसकी सृष्टि की। युग मूर्ति में मानव से मिलने को तू आया, जिससे वह सौभाग्य धरा पर उसको प्राप्त हुआ। मैं उसको भेजूंगा तुम लोगों के पास। प्रभु जी तूने प्रेम से भक्ति स्वा के जल द्वारा इस जीवन में लाया नर को पावन सत्यात्मा। हे करुणामय तूने बनाया अपना पावन तन, इस जीवन में रोटी रूप मनुज का प्रिय भोजन। प्रभु के पावन नाम की जय जय गाए मानव गण। स्तुति हो वे पिता पुत्र की और पवित्र आत्मा की। करुणामय गोलगोता में विश्वास के द्वारा डाकों ने पाई तीक्ष्ण में तेरी असीम कृपा।
कृपा की सोता सूली पर मैं आश्रय लेता हूँ। पाप भरा में डाकू जैसा आश्रय लेता हूँ। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे असीम दया और अविराम संरक्षण के लिए हम तेरे आराधना और स्तुति करते हैं। तू ही सबका प्रभु है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी सुन प्रभु, मेरी बात सुन, मेरी विनती स्वीकार कर। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी सुन मेरी विनती धूप की तरह, मेरी करबंद प्रार्थना संध्या वंदना की तरह तेरे पास पहुँचे। प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे हृदय को बुराई की ओर झुकने ना दे, मैं दुष्टों के साथ अधर्म ना करो और उनके भोजों में समृद्ध ना हो। धर्मी मुझ पर भले ही हाथ उठाए और भक्त मुझे डांटे, किंतु दुष्ट का सुगंधित तेल मेरा सिर अलंकृत ना करे। क्योंकि मैं प्रार्थना द्वारा उनके कुकर्मों का विरोध करता हूँ। वे न्याय की चट्टान से टकरा कर डूब जाएंगे और समझेंगे कि मेरे शब्द कितने मधुर थे। मैं प्रभु की दुहाई देता हूँ, मैं ऊंचे स्वर से प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। मैं उसके सामने अपना दुखड़ा रोता हूँ, मैं उसे अपना कष्ट बताता हूँ। जब मैं निराश हो जाता हूँ तो तू जानता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जिस मार्ग पर मैं चलता हूँ वहाँ लोगों ने मेरे लिए जाल बिछाया है। मेरे दाहिने दृष्टि डाल और देख, कोई भी मेरी परवाह नहीं करता। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की जय हो, अनादि से अनंत तक, आमीन। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी सुन प्रभु, मेरी बात सुन, मेरी विनती स्वीकार कर। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तू हमारे शरीरों को आरोग्य देता है और हमारी आत्माओं को प्रत्याशा प्रदान करता है। अपने सेवकों की प्रार्थना सुन और हम पापियों पर दया कर। तू ही सबका प्रभु है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। सबने टाट पहना और उपवास किया, नीनवे वासी उपवास द्वारा ईश कृपा के पात्र बने। राग लगा कर डांटोड़े, लोगों ने उपवास किया। हंस बहाते जब तप करते, मांगे पापों की माफी। पछतावा नब का सोपा, पश्चाता भी को तू न भुलाता है। व्याकुल होकर भटक रहा था, फिर भी आशाहीन नहीं। पापों से मम आत्मा में बढ़ती भीषण बीमारी, फिर भी मुझे बचाए।
पश्चाताप के औषध से पछतावान अब का सोपा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की जय। आत्माओं के नाश की चाह पिताजी तो न भी करता, मेरे मुक्ति की गाते तूने अपने सुध को दिया। प्रभु जी पाप का मेल मिटाओ, पछतावा में कर पाओ, पछतावा नब का सोपा। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे हमारे प्रभु, अपने पवित्र तृत्व पर हमारा विश्वास परिपूर्ण कर दे। हमें इस योग्य बना दे कि हम तुझे स्तुति सम्मान और आराधना समर्पित करें। तू ही सबका प्रभु है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। स्वर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गान। ऊंचे स्वर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गान। पावन सर्वशक्तिमान, पावनेश्वर अमर प्रभु, पावनेश्वर सर्वशक्तिमान, पावनेश्वर अमर प्रभु, पावन पावन पावनेश्वर दया कर, दया कर। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू भक्त जनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर। तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। तू ही सबका प्रभु है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मार्कुस द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। वे फिर यरूशलेम आए। जब ईसा मंदिर में टहल रहे थे तो महायाजक, शास्त्री और नेता उनके पास आकर बोले, आप किस अधिकार से ये सब कर रहे हैं? किसने आपको ये सब करने का अधिकार दिया? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया,
मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूँ। बताइए, योहन का बत्तीसवा स्वर्ग का था अथवा मनुष्यों का? वे एकते हुए आपस में परामर्श करते थे। यदि हम कहे स्वर्ग का, तो वह कहेंगे तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहे मनुष्यों का, तो वे जनता से डरते थे क्योंकि सब योहन को नबी मानते थे। इसलिए उन्होंने ईसा को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से ये सब कर रहा हूं। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। हम पश्चाताप और श्रद्धा भक्ति से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करें। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हे दयालु पिता, हे स्वंदन दादा, हम तेरे शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। ईसा मसीह की संपूर्ण कलीसिया के संपूज्य परमादेश संत पापा मां फ्रांसिस के लिए, हमारी कलीसिया के मुख्य और पिता महाधर्माध्यक्ष मार जॉर्ज के लिए, हमारे पूज्य धर्माध्यक्ष मार सबास्टिन के लिए तथा उनके सह सेवकों के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे ईश्वर, तू सबकी देखभाल करने वाला कृपालु प्रभु है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अपने शरीर और आत्मा को तुझे सौंपते हैं। हमारे पाप क्षमा कर और हमें आशीष प्रदान कर। तू ही सबका प्रभु है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्रभुवर आपका आशीर्वाद। प्यारे भाई और बहनों, हस्तारोपण के लिए सिर झुकाए और आशीर्वाद प्राप्त करें। सबको पवित्र करने वाले की आशीष, सभी को सांत्वना देने वाले का दिलासा एवं सबों पर कृपा बरसाने वाले की करुणा और परिपालन हम पर, इस मंडली पर एवं समस्त मानव जाति पर बने रहे अब सदा और सर्वदा। आमीन। सबको पवित्र करने वाले की आशीष, सभी को सांत्वना देने वाले का दिलासा एवं सबों पर कृपा बरसाने वाले की करुणा और परिपालन हम पर, इस मंडली पर एवं समस्त मानव जाति पर बने रहे अब सदा और सर्वदा। आमीन। सुनो प्रभु की वाणी, तुम स्वीकारो अपना दो। प्रतिदिन मानव दुख जाता निश्चय भी लेता, फिर भी नाश के पद पर ही वह चलता फिरता रहता। तू ही है पश्चाता भी का आश्रय, प्यारे प्रभु जी आश्रय दे दे प्रभु जी। हे प्रभु जी मैं योग्य नहीं हूँ तेरी दया पाने, लोभी एवं दुर्मार्गी लोगों ने भी प्रभु जी विश्वास द्वारा तेरी बड़ी कृपा के पात्र बने थे। तू ही है पश्चातापी का आश्रय, प्यारे प्रभु जी आश्रय दे दे प्रभु जी। ईश पिता की पुत्र और पावन आत्मा की जय हो। आत्मा का परिपावन रूप बिगाड़ा पापों ने, पाप से नष्ट हुई जन्नत की सारी सुंदरता भी। तू ही है पश्चातापी का आश्रय, प्यारे प्रभु जी आश्रय दे दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तू अपनी दया से मृतकों को पुनर्जीवित कर, उन्हें धर्मियों के साथ अपने दाहिने विराजमान होने की कृपा कर।
उन्हें तू अपने राज्य की महिमा में ज्योति से आलोकित कर और उन्हें उन धर्मियों के साथ जिन्होंने तेरी इच्छा पूरी की स्वर्गीय यरूशलेम का आनंद प्रदान कर। तू ही सबका प्रभु है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। क्योंकि वह जानता है कि हम किस चीज के बने हैं, उसे याद रहता है कि हम मिट्टी हैं। मनुष्य के दिन घास की तरह है, वह खेत के फूल की तरह खिलता है। हवा का झोंका लगते ही वह चला जाता है और फिर कभी नहीं दिखाई देता। किंतु प्रभु भक्तों के लिए उसकी कृपा और उनके पुत्र पुत्रों के लिए उसकी न्याय प्रियता सदा सर्वदा बनी रहती है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय हो, अनादि से अंत काल तक। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, जो तेरी कृपा के द्वार पर कटकड़ाते हैं उनके लिए तू अपना द्वार खोलता है। हमारी संध्या प्रशांत हो, निशा सुगमय हो, प्रभात प्रतीक्षा पूर्ण हो और दिन सत्कर्मों से संपन्न हो। हे कृपा दे कि हम जीवन भर तुझे प्रसन्न करें। तू ही सबका प्रभु है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। हे प्रभु तेरा आशीर्वाद। हे प्रभु, तू अपने महिमामय त्रित्व का रहस्यमय सामर्थ्य आनंद कृपा और निरंतर सहायता में प्रदान कर। पवित्र कुवारी मरियम की प्रार्थना एवं संत यूसुफ तथा पवित्र प्रेरितों के अनन्य विनय के द्वारा दिव्य सहायता हमें सदैव प्राप्त हो। हमारे पिता प्रेरित संत थॉमस, संत जॉर्ज और दूसरे शहीदों और हमारे भवन का संरक्षिका माँ मरियम और सब संतों एवं धर्माचार्यों की मध्यस्थता हमारी मदद करे। वे हमें आश्रय एवं सहायता दे तथा शैतान और उसके साथियों से बचाकर हमें स्वर्गीय आनंद की ओर ले चले। तू ही सबका प्रभु है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। हे प्रभु तेरा आशीर्वाद। हे मसीह सनातन पिता की ज्योति, हम तेरी आराधना वस्तु दी करते हैं। अपने धर्मियों की प्रार्थनाओं द्वारा हमें पापों की क्षमा कर और विपदाओं में सांत्वना दे। तू हमें अपने स्वर्गीय ज्योति की ओर ले चल तथा जीवन के सभी विपत्तियों में अपनी पवित्र सलीब की शक्ति से हमारी रक्षा कर। तू ही सबका प्रभु है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा अब सदा और सर्वदा। आमीन।